Jain has never given counsel to anyone to watch MTV Roadie Season 9. We would rather advise you to stare directly into the midday sun and go clinically blind or go bungee jumping without the bungee cord and land head-on in a dried-up river full of jagged rocks. Trust me, by doing the above-mentioned motions, you will be spared from the horrific tortures of watching MTV Roadies and you will be more at peace with yourself. Jain. वेलकम टू जय हिंद। हाल ही में संजू बाबा द्वारा दी गई अग्निपथ की सक्सेस पार्टी में एसआरके ने अपने बॉडीगार्ड्स के साथ शिरीष कुंदर को थप्पड़ जड़ दिया। मतलब ये वही बात हुई कि किसी की शादी एल्बम में दुल्हा दुल्हन से ज्यादा फोटोज दुल्हन के चाचा की आई। शिरीष कुंदर वही है जो अपनी वाइफ फराह के साथ फिल्म मेकिंग ही नहीं बल्कि हेयर क्लिप भी शेयर करता है। इंसाइडर्स का कहना है कि एसआरके ने शिरीष को थप्पड़ इसीलिए मारा क्योंकि रावण के रिलीज के बाद शिरीष कुंदर ने ट्विटर पे फिल्म का मजाक उड़ाया। क्या यार एसआरके, मतलब मेरा गुस्सा शिरीष पे क्यों निकाल रहे? उसने तो ट्विटर पर बस 140 कैरेक्टर का मजाक उड़ाया था, हम तो 30 मिनट तक रावण का मजाक उड़ाते रहे। हमें क्या मशीन गन से मारोगे? ये ले समझता तो ये ले, देख पूरी कायनात मेरा साथ दे रही है, देख। अगर एसआरके ने सचमुच मुझे गोली से छलनी कर दिया ना तो मैं ऐसे उठ के नहीं आ पाऊंगा। मैं कोई लाफ्टर का मसीहा नहीं हूँ कि मेरा रिजरेक्शन होगा, वैसे कुछ नहीं होगा, और ना ही शाहरुख के करियर और गुडविल का। लेकिन ये थप्पड़ इंसिडेंट शिरीष कुंदर के लिए काफी मतलब विन विन सिचुएशन था। मीडिया अटेंशन भी मिली, तीसमार खान जैसी फिल्म बना के पूरे देश पर जो थप्पड़ जड़ा था उसके बदले सिर्फ एक ही थप्पड़ खाने को मिला, और ट्विटर पे भी 40-50 नए फॉलोअर्स मिले। वैसे अगर शाहरुख सचमुच शिरीष को फिजिकली हर्ट करना चाहते ना तो कुंदर को रावण ही फिर से दिखा सकते थे। आईसाइट लॉस और बहरा होने के चांसेस 100% इंक्रीज हो जाए। इस पूरे इशू पर तरह तरह के ओपिनियंस भी आए। जय हिंद के अनुसार असल कारण था शाहरुख भाई ने शिरीष से पूछा दो सिगरेट्स हैं, ही रिप्लाइड ना वन। इस पर एसआरके को जो गुस्सा उसे ताड़ ताड़। वैसे शाहरुख को जितनी जल्दी गुस्सा आता है उसे समझ आता है कि उनके दिल में कहीं ना कहीं किसी कोने में एक दिल्ली वाला अभी भी जिंदा है। एक दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और दोनों पार्टीज में पैचअप भी हो गया। वैसे इसे फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लैश मॉब परफॉर्म बाय अ दिल्ली वाला भी कहा जा सकता है। सबसे बड़ा लॉस अपने संजू बाबा को। यार बंदा पहली बार कोई लीगल चीज करने गया और लाइमलाइट कोई मां का दूसरा लेकर। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप एसआरके का मजाक उड़ाओ बट मेक श्योर कि आप उस पार्टी में नहीं जा रहे हो ना जिसमें वो आ रहा है। हाँ, ये सिर्फ इसी वजह से मैंने वो स्क्रीन फिल्मफेयर और जी सिने अवार्ड्स अटेंड नहीं किया। तीनों में एसआरके नाच रहा था। But I am starting my own award show. No, seriously, keep watching this space. वैसे all you Jai Hind fans होशियार रहो, पता नहीं कब किसी शादी में शाहरुख डांस करते मिल जाए, बच के रहना। उसके सामने जय हिंद मतलब ऐसे भी नहीं बोलना, जय हिंद वे भी नहीं बोलना, मारेगा। लेकिन खबर सिर्फ यही खत्म नहीं हुई, पैचअप हुआ तो कैसे? अगले दिन जाके शिरीष कुंदर ने शाहरुख से माफी मांग ली। थप्पड़ मारा शाहरुख ने और माफी मांगी कुंदर ने। नहीं, आई मीन आई एम जस्ट थिंकिंग कि उन्होंने माफी मांगते हुए क्या कहा होगा कि सॉरी शाहरुख, कल तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया, बहुत सॉरी। जब तुमने हाथ उठाया था तो मुझे रास्ते से हट जाना चाहिए, बल्कि मुझे उस पार्टी में ही नहीं आना चाहिए था, बल्कि मुझे फरासी ही शादी नहीं करनी चाहिए।
बल्कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं आना चाहिए था, सॉरी। लेट्स मूव ऑन एंड ट्राई एंड रिक्रिएट द स्लैब फॉर यू। ऑफ कोर्स स्लैब का असली वीडियो फुटेज तो किसी के पास भी नहीं है, सो विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेट्स सी ये थप्पड़ किस किस तरह से पड़ा होगा। नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, तो ये थे कुछ ऑप्शंस जिनसे कुंदर को थप्पड़ पड़ा होगा। आफ्टर दिस ब्रेक, तस्लीमा नसरीन की ऑटोबायोग्राफी, अमिताभ बच्चन साहब की एक नई कविता और बहुत कुछ, जैसे कि उमा भारती। वेलकम बैक गाइस। शाहरुख कुंदर थप्पड़ कांड, जैसा कि इस कांड को आज से 100 साल बाद हिस्ट्री बुक्स में पहचाना जाएगा, इस कांड पर सबने अपना अपना रिएक्शन दिया। जैसे कि थप्पड़ के बाद साध्वी रितंबरा ने कहा, एक थप्पड़ और दो पूरा कुंदर तोड़ दो। और ट्विटर पर सिलेमा स्नॉब ने हमें भेजी ये बिग बी द्वारा पढ़ी गई कविता, जो असल में तो हरिवंश राय साहब बच्चन ने लिखी थी, लेकिन थोड़े मॉडिफिकेशंस के साथ पेश की गई है। ये महान दृश्य है, ये महान दृश्य है, पिट रहा शीर्ष है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। मूविंग ऑन, पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने उमा भारती पर एमपी से आकर यूपी में इंटरफियर करने का इल्जाम लगाया। साध्वी उमा ने भी अपनी तीसरी आंख खोल दी और कहा, उसकी मां को देखे पहले वो, अपनी बुआ पर इल्जाम लगाने से पहले राहुल अपनी मां को देखे, असली आउटसाइडर तो वो है फिरंगन। एक मिनट, उमा भारती राहुल की बुआ कैसे होगी? मतलब वो खुद को राजीव गांधी की बहन का दर्जा दे रही है किस एंगल से? और अगर उमा भारती राहुल की बुआ है तो अडवाणी जी उमा भारती के भाई है, तो अडवाणी जी राहुल के चाचा हो गए, फिर साला झगड़ा काहे का है? वैसे भी दोनों पार्टीज मिलके काम करे तो अच्छा ही होगा ना राष्ट्र के लिए। बीजेपी मैनिफेस्टो में मंदिर प्रॉमिस किया है अयोध्या में, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 20 लाख जॉब्स प्रॉमिस किए। अगर दोनों पार्टीज मिल जाए तो मंदिर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में 20 लाख जॉब्स ऑफर कर सकती है। फिर व्हाट एन आइडिया बुआ जी। लेकिन फ्रैंकली उमा भारती की यह बुआ वाली लाइन दिग्विजय सिंह के काफी सारे चर्ची स्टेटमेंट्स पर भारी पड़ सकती है। जैसे डिगी राजा ने लेटेस्ट कहा कि बाबा रामदेव गलत योगा सिखाते। जब उनसे पूछा गया कैसे पता चला, तो उनका कहना था, मैंने एक बार किया था तब से पगलाया वो। वैसे हमारे देश की जनता बेसिकली अपने लीडर से पक चुकी है। टाइम पास के लिए जब जी में आए किसी पर कुछ भी फेंक रही है, लाइक इंक, चप्पल, जूते एक्सेट्रा। पंजाब पुलिस ने तो ऑर्डर्स दे दिए कि भाई राहुल गांधी की रैली में कोई पॉइंटेड जूते पहनकर नहीं आए। तो मतलब क्या उनको भरोसा है कि लोग नॉन पॉइंटेड शूज, सैंडल्स, फ्लोटर्स, चप्पल, कैनवस के वो पीटी शूज वो नहीं फेंक सकते? अरे आई थिंक राहुल स्मार्टर, ही डिड नॉट टेक एनी चांस, केम विद अ प्रोटेक्टिव हेड गियर, ये देखिए। इनफैक्ट मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब रैली मैदान के बाहर घंटी लगा दी जाएगी, बगल में प्रसाद और
फूल की दुकान होगी कि जूता चप्पल उतारो, घंटी बजाओ, प्रसाद और फूल खरीद के अंदर बाबा के दर्शन करने जाओ। ये सुनिए, रिसेंटली पूनम पांडे ने पीएमओ के ट्विटर अकाउंट पर अपनी ये पिक्चर चिपकाई है एज अ वेलकम जेस्चर, और इसे देखकर मन्नू जी का बंद मुंह 2 मिनट के लिए खुल गया। फिर मन्नू जी ने कहा, कोई नहीं जी, प्राइम मिनिस्टर और पूनम पांडे, पीएम और पीपी बिल्कुल एक जैसे हैं, ये उतने ही कपड़े पहनती है जितना मैं बोलता हूं। बट इट मेक्स सेंस कि पूनम पांडे अब क्रिकेटर्स के पीछे नहीं जा रही है, हाँ, क्रिकेटर्स का पीछा छोड़ के पीएम के सर चढ़ने की कोशिश कर रही है। अब भाई क्रिकेट टीम तो जैसे परफॉर्म कर रही है, उसको तो बुरके में घूमना पड़ेगा। तो वेट अ मिनट, पूनम को हमने बुरके में दिखाया था, या ये देखिए, हाँ, इसीलिए ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं ये लोग। ओके ओके ओके, होप वो पीएम को भी अपना पुराना ऑफर दें कि आप एक बिल पास करोगे तो मैं एक कपड़ा उतारूंगी। कुछ नहीं तो पीएम के पास एक इमोशनल रीजन तो होगा पार्लियामेंट जाने का। अगली खबर आपको सुनाने में मुझे थोड़ा डिप्रेशन हो रहा है, बट आई मस्ट शेयर माय सॉरोज एंड स्क्रू योर हैप्पीनेस टू। अभी मेरे गांव में, मतलब कोयम्बटूर में, एक औरत काम के बाद अपने घर लौटी और उसने अपने पड़ोसी के मॉन्ग्रेल को अपने पोमरेनियन के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में पाया। जी हां, ये सच हुआ। एक औरत ने अपने कुत्ते को पड़ोसी के कुत्ते के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में पाया। ये खबर मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ी। हिंदू में भी ये खबर आई थी, लेकिन बस इतनी कि उस वक्त उस औरत के घर में कर्नाटिक म्यूजिक की कौन सी एल्बम बज रही थी और उसके गायक कौन से घराने से ताल्लुक रखते हैं वो। खैर, ये देखकर वो औरत गुस्से से पागल हुई, उसी समय अपने पड़ोसी के यहां गई और कहा, अरे करमजली, अपने नीची जात के कुत्ते को संभाल के रख तू। दिस इज रियल न्यूज, आई एम टेलिंग यू, जोक अभी तक शुरू हुआ नहीं है। मॉन्ग्रेल की मालकिन ने भी बाजूवाली के कुत्ते के कैरेक्टर को लेकर के उसको खरी खोटी सुना दी और फिर दोनों में मतलब काफी गाली गलौज। आई विटनेसेस से दैट दिस डॉग फाइट गॉट रियली वायलेंट एंड द पड़ोसीज इवन हिट ईच अदर, यू नो। द मोर बिजार पार्ट इज दैट द पुलिस लॉज अ कंप्लेंट इन दिस मैटर एंड ऑल ऑफ दिस इज फैक्ट, ट्रू स्टोरी, एटलीस्ट उतनी ट्रू जितनी आजकल के न्यूज पेपर्स में होती है। लेकिन पुलिस ने क्या लिखा होगा उस एफ आई आर पे, डॉग्स चार्ज विथ डूइंग इट इंटरेशियल डॉगी स्टाइल। ओके, एनीवे, बाकी अभी आज का लेट नाइट न्यूज और एक मुलाकात पोंटी चड्डा के साथ, तब तक वेलकम बैक, सीधे चलते हैं बरक दत्ता के स्टूडियो में, आइए। नमस्कार, मैं हूं बरक दत्ता, ये है LNN और आप हैं आप। आज की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर, पंचायत लेवल के बाद अब बॉलीवुड में भी लागू होगा नरेगा। जी हां, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट अब लागू होगा बॉलीवुड में भी। इस बारे में और बात करने के लिए आइए चलते हैं अपनी बॉलीवुड रिपोर्टर पिंकी खन्ना के पास। हेलो पिंकी। हेलो ब्रॉक। पिंकी, ये क्या नया एक्ट है, जरा डिटेल में बताइए। ब्रॉक, सरकार ने ये एक नया एक्ट लागू किया है जिसका नाम है निसेगा, नेशनल स्टार सन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके अंडर अब हर स्टार सन को बॉलीवुड में
पक्का काम मिलेगा। हाँ, लेकिन पिंकी सरकार को इस एक्ट की क्या जरूरत पड़ी? बॉलीवुड में स्टार सन्स को तो पहले ही काम मिलता है, ये स्पेशल एक्ट क्यों? हाँ ब्राक, इसके बारे में हमने अमिताभ बच्चन से बात की और उनका कहना है कि बॉलीवुड में सभी हरामी हैं, अभिषेक को अब तक उसका हक नहीं मिला है, इसीलिए निसेगा आएगा तो अभिषेक को साल के 365 दिन मिनिमम वेजेस पे ही सही काम तो मिलेगा। लेकिन पिंकी अभी भी मैं नहीं समझा सरकार को इसमें क्या दिलचस्पी है। ब्राक, मेरे खुफिया रिसोर्सेज के मुताबिक सरकार समझ गई है कि राहुल बाबा का दिल्ली में कोई फ्यूचर नहीं है, और जब से चिराग पासवान की फिल्म आई है तो राहुल बाबा रोज अपनी मम्मी से पूछता रहता है कि जब विलास पासवान का बेटा हीरो बन सकता है तो मुझमें क्या कमी है, मुझमें क्या कमी है मम्मी। और शायद इसी को देखते हुए ना सोनिया गांधी ने अपना ये ड्रीम प्रोजेक्ट, जो सचमुच का ड्रीम प्रोजेक्ट है क्योंकि इसके बारे में उन्होंने नींद में ही सोचा होगा, बॉलीवुड में लॉन्च कर दिया। लेकिन इस पर बाकी के बॉलीवुड का क्या कहना है पिंकी, आउटसाइडर्स का क्या कहना है? आउटसाइडर्स भी नसेगा से बहुत खुश है बराक, उनका कहना है कि बस अब पहली जनरेशन को स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद उनके बच्चों के लिए बॉलीवुड में नौकरी पक्की। इनफैक्ट मेरे पास कुछ लोगों के रिएक्शंस भी हैं ब्राक, टेक ए लुक। आई डोंट नो व्हाट टू फील अबाउट इट, नसेगा 5 साल पहले आता तो मैं कुछ कर सकता था। मुझे वैसे अभी इसकी जरूरत नहीं है, बट आफ्टर डॉन 3 हु नोज। So yeah. नसेगा नसेगा तू हम पे रोएगा, हम तुम पे हसेगा, नसेगा नसेगा सबको ये डसेगा, ये नसेगा। बस पिंकी और नहीं, दे दो सबको, सबको जितना जवाब देना है दे दो, बप्पीदा का रिएक्शन मत दिखाओ। तुम इतनी खुश क्यों हो? लेकिन मुझे भी काम मिला है नसेगा के अंडर। लेकिन तुम तो किसी स्टार की बेटी बेटी नहीं हो। वेल, मैंने ना पैसे खिलाकर नकली कार्ड बनवा लिया है, यू नो एज पर दिस कार्ड मैं विनोद खन्ना की बेटी हूँ, तुम्हें चाहिए ऐसा कार्ड? आई नो दिस एजेंट, वो ये काम करवा के दे देगा। कौन एजेंट? एजेंट विनोद। नो थैंक्स, इसको बोलो अपनी बहन का कार्ड बनवा ले सबसे पहले। थैंक्स पिंकी। तो ये था बॉलीवुड में नसेगा, नेशनल स्टार सन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और बाकी है अभी नए रियलिटी शो में इंडिया और पाकिस्तान के चूहे लगाएंगे रेस, और धोनी ने ऑस्ट्रेलिया को कहा रांची के गली क्रिकेट में हरा के दिखाओ तब कोई बात है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन आज मुझे साजिद खान को पीटने जाना है, जस्ट लाइक दैट। जय हिंद। hey, बरन। ओहो, तो ये थी बरक की दिल दहला देने वाली न्यूज। आफ्टर दिस ब्रेक अ क्विक चैट विद पॉन्टी चड्डा। वेलकम बैक। हाल ही में दिल्ली में हुई इनकम टैक्स रेड में उत्तर प्रदेश के लिकर बैरन पॉन्टी चड्डा के ऑफिस से 100 करोड़ रुपए बरामद हुए। ये 100 करोड़, विच इज स्लाइटली लेस देन ए राजा की पॉकेट मनी, बट आई गेस इफ यू आर कॉल्ड पॉन्टी चड्डा तो आप लिकर बैरन के अलावा कुछ और बन भी नहीं सकते। पॉन्टी चड्डा क्या नाम? हाँ, खबर ये भी है कि पॉन्टी चड्डा मायावती के राइट हैंड मैन टाइप्स है, और उनके पास मिला पैसा असल में माया बहन का है। बट वेट, पॉन्टी तो दलित नहीं है। मायावती ने अपना पैसा एक नॉन दलित को दे दिया रखने के लिए, मतलब मायावती एंटी दलित है। खैर, इस बारे में और बात करने के लिए आइए चलते हैं पॉन्टी के पास। हेलो,
पोंटी जी। हाँ बोल। 100 करोड़ आपने छुपाए कैसे थे? टेक्निक है। नहीं वही तो जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो कि 100 करोड़ छुपाने में कितनी जगह लगती है, मतलब है तेरे पास 100 करोड़? मेरे पास नहीं। 100 करोड़ पूछ रहा है? नहीं नहीं, इसीलिए तो ऐसे फैंटेसाइज कर रहा हूँ। बताओ अब सनी लियोन कभी आने वाली? नहीं, फैंटेसाइज करने में जाता वैसे 100 करोड़ नहीं, फैंटेसाइज कर। बताओ। वो सिंपल है यार, 1000-1000 के नोट हुए तो कितने बने 100 करोड़ के? सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपको, आप क्यों पूछ रहे हो? मेरी मैथ्स थोड़ी कमजोर है। सिबल जी से पूछ के बताओ। चल बता। सिबल जी। हाँ। नहीं नहीं नहीं, हेलो हेलो, काटिए मत। अरे बात तो सुनिए। अरे नहीं नहीं, आपका मजाक नहीं उड़ा। हेलो। अरे यार ये वो 100 करोड़ को अगर 1000 के नोट में करें तो कितने नोट हुए? 10 लाख हुए, but all that is notional. Actual में it's 0 notes. Okay, thanks. जा चल। हाँ, ओ क्या नाम है भाई? पोंटी। वो तो कह रहे हैं कि 0 notes हुए हैं, लेकिन notional है। पता नहीं ये भी क्या येड़ा बकरा था। शायद 10 लाख नोट हुए ना? हाँ, 10 लाख ही होंगे करीब करीब। माया बहन कह रही थी कि जितने हाथी हैं उतने नोट हैं। क्या पॉलिटिक बात कह दी है? जितने हाथी उतने नोट हैं, जितने दलित हैं उतने वोट हैं, जितना कोई गिरे उतनी चोट है। बस। ओए, तू माधरचोद है? देव तेरी माँ का। बात सुन पहले मेरी। सॉरी, मैं क्या है ना, मैं थोड़ा बह गया था। हाँ वो बोलो बोलो बोलो। 10 लाख नोट अब कैसे छुपाए? देख, नोट को अगर ऐसे रोल कर लेना, ये देख, ऐसे करके है तो इसको संभालना ना आसान हो जाता है। अब 10 लाख नोटों को ऐसे रोल करके हाथी की टांग बन जाती है। हाथियों की टांगों में नोट है? मैंने कब कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, खुद समझ ले, मैं कुछ नहीं कह रहा। अच्छा, कहा जाता है कि यूपी में दारू 25% महंगी है क्योंकि उस पे कोई मिस्ट्री टैक्स लगा हुआ है। व्हाट इज दिस मिस्ट्री टैक्स? मिस्ट्री टैक्स नहीं हुए, पोंटी टैक्स है। पोंटी टैक्स, पूरी दुनिया मुझे पोंटी पोंटी कह के चिढ़ाती है, बचपन से चिढ़ा रही है। पोंटी भी कोई नाम होया है कि नाम होया? पोंटी चला जा। तो मैं उस नाम का ना बदला ले रहा हाँ, 25% टैक्स, पोंटी टैक्स मुझे चढ़ाने के लिए। किससे बात कर रहा है? और किसी से नहीं, वो दोस्त है, दोस्त, फ्रेंड। बहन कैसे चली है? ठहर जा, सिस्टर है। तो ये थे पोंटी चड्डा जी शेयरिंग सम ऑफ सीक्रेट्स एंड साइड लाइफ। वेल, आज के लिए इतना ही। तुम लोग भी जाओ और पैसे कमाओ भाई। हाँ, या कमा चुके हो तो ठीक से छुपाओ। कम ऑन, मूव। चेंज and dumb phrases, no.
हाँ।